पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा आपको 1 जनवरी को आने वाला था जो कि मेरे खाते तक आ चुका है, मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे प्रूफ तौर पर दिखाने वाले हैं कि मेरे खाते में जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 10वां किस्त है मेरे अकाउंट तक आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वेबसाइट पर आ जाइएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। आपको यहाँ पर लाइव जो की चेक करके दिखा रहा हूँ कि मेरे जो की अकाउंट में यहाँ पे पैसा आ चुका है। चेक करने का तरीका आपको यहाँ पे पता ही है कि यहाँ पे लिखा हुआ बेनिफिशियरी स्टेटस, जहाँ तक आप इस पर जो कि आपको क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पे जो कि आधार कार्ड का नंबर, अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर, कोई सा भी जो कि नंबर डालकर यहाँ पे जो कि अपना चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मोबाइल वाला जो कि ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालकर गेट डाटा पर मैं क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे जो कि है, एक जो कि मोबाइल नंबर से 2 आदमी का रजिस्ट्रेशन हुआ है किसान वाला, जो कि बहुत पहले इस प्रकार का सिस्टम था। तो यहाँ पे जो कि हमको चेक करना है, जिनका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि पप्पू कुमार शर्मा का हमको चेक करना है। तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। मैं आइएगा तो आपको यहाँ पे जो कि उनका नाम लिखा गया है और जो कि आप अकाउंट नंबर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट में 7855 लिखा हुआ है। इसको आपको याद कर लेना है क्योंकि आपको लाइव प्रूफ इसमें आपको दिखाने वाले हैं। और नीचे की तरफ आइएगा और यहाँ पर भी देखिएगा कि इनका जो कि 10th इंस्टॉलमेंट में जो कि बिल्कुल यहाँ पे ब्लैंक है। आपका 10th इंस्टॉलमेंट हो, आपको कोई सा भी किस्त हो, 1 से लेकर आपको 10वां किस्त तक जो कि है, हर हाल में एक न एक किस्त आपको सभी किसान को इसमें आने वाला है। यहाँ पर भी जो कहूँगे देख सकते हैं लास्ट में जो लिखा गया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7855 लिखा गया है लास्ट अकाउंट नंबर, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पे जो कि थोड़ा सा इसके ऊपर करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लिखा हुआ आपको PFMSK लिखा हुआ है, पीएम किसान बेनिफिट यहाँ पे लिखा हुआ है, बेनिफिशियरी इंस्टॉलमेंट जो कि आपको यहाँ पे 10 लिखा गया है। तो इस प्रकार जो कि समझ सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट इनका जो कि 10 आया हुआ है। और पैसा का बात करें तो देख सकते हैं कि 2000 रुपये इनको क्रेडिट हुआ है, टोटल बैलेंस इनका भी यहाँ पे देख सकते हैं। डेट तारीख आप देखना चाहते हैं तो 1 जनवरी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि आज ही का जो यहाँ पे डेट है, आज जो कि 10th इंस्टॉलमेंट का यहाँ पे पैसा आया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरे आदमी का मैं चेक किया हूँ तो यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा गया, इसको याद कर लीजिए। और यहाँ पे आपको 6ठा किस्त इसको आने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं KFTO लिखा गया है। तो इनका भी जो कि आ चुका है, मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, जो कि अकाउंट नंबर लास्ट का देख सकते हैं 4 डिजिट और साथ में आपको यहाँ पे 2000 रुपया और यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा है। बहुत लोग कमेंट आएगा मेरा अभी तक पैसा नहीं आया, हमने KYC नहीं कराया हुआ है। KYC का जरूरत नहीं है, 1 तारीख को जो पैसा आ रहा है इसमें अगले स्तर तक अप्रैल महीने में जो पैसा आएगा उसके लिए KYC अनिवार्य किया गया है। थोड़ा सा वेट करिए, यहाँ पे एक बार सो कर उठिए सुबह में, जो कि आपके खाते में पैसा 110% आने वाला होगा, तो आपके खाते में आ ही जाएगा। अभी वीडियो संबंधी किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हूं राज शर्मा, फिर मिलते हैं नए बुद्धिनर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।